Now we are going to discuss a drug called क्लोरफेनरामीन, also known as dextromethorphan. अच्छा, क्लोरफेनरामीन क्या है? मैं आपको सिंपल फार्माकोलॉजी बताता हूँ. ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है. हिस्टामिन क्या चीज़ होती है? हमारी बॉडी का एक मॉलिक्यूल है हिस्टामिन, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करता है. फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ साथ कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कर जाता है. अब उसमें एलर्जीज आती हैं, इसकी वजह से जो है आपकी कंजेस्शन हो जाती है, खांसी आती है, सिक्रीशन ज़्यादा, जिसको हम बलगम कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाता है. तो मजबूरन आपको इस जो हिस्टामिन है इसको रोकना होगा. तो उसके लिए, रोकने के लिए आप एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल करते हो, और उस एंटी हिस्टामिन में एक जो ड्रग है वो क्लोरफेनरामीन है. अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. आपको सादे सी बात बताऊँ, खांसी के लिए लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा भी और इसके फंक्शन हैं. टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है, च्यूएबल टैबलेट है. ओरल सिरप आता है इसका, टैबलेट्स 4 mg की भी आती हैं, ठीक है. तो मेनली यूज्ड फॉर कफ एंड कोल्ड, जिन लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है. अब आप देखें, नज़ले में सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है. आप या तो नज़ले को बहने दो, 3 से 4 दिन तक बर्दाश्त करो, या फिर आप जो है सिक्रीशंस बंद करवा दो. बंद करने के लिए फिर आपको एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ेगी, और जो सिक्रीशंस बंद कर देती हैं. इस तरह कफ है, कफ जो क्या होता है, जो आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लाइक दिस इज़ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की कंजेस्शन हो जाती है. आप एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल करते हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक आपकी जो डायलेट हो जाती है, और आपको खांसी वगैरह से जो है आराम आ जाता है. सो 4 mg क्लोरफेनरामीन या 30 mg डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन पर ओरल लेते हो Q6 hour इफ़ नीडेड या एज नीडेड. हर 6 घंटे बाद का मतलब है कि दिन में 4 tablets आपको लेनी पड़ती हैं. फिर मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ. ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है. देखिए, हिस्टामिन तो 2 तरह की रिसेप्टर पर जाती है, H1 और H2. H2 आपके जो है GIT में मौजूद हैं, आपके मैदा वगैरह में, या जो तेजाबियत होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है. H1 स्पेसिफिकली जो आपके एलर्जीज वगैरह हैं, खांसी वगैरह हैं, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है. तो क्लोरफेनरामीन H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है. आपके मैदा, आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ नहीं कहता. दूसरी बात याद रखिए कि ये ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जा सकती है, तो आपको सिडेटिव इफेक्ट देती है. या खांसी का शरबत अक्सर लोग जो है अब्यूज़ करते हैं, लोग नशा के लिए भी इस्तेमाल कर जाते हैं कि थोड़ी नींद अच्छी आएगी तो खांसी का शरबत पी लो. क्यों? क्योंकि खांसी का शरबत जो है, ये जो हिस्टामिन है, ये जाती है ब्रेन में, वहाँ पे सिडेटिव इफेक्ट देती है, तो लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. बट दैट इज़ अनएथिकल, ये इसलिए है ही नहीं. अच्छा, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन पे आ जाए, एंटी टसिव है, यानी खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली. इसके अलावा जो है कफ सेंटरिंग द मेडल्ला होता है, वहाँ पे इसको ब्लॉक किया जाता है और आपको खांसी नहीं आती. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लोरफेनरामीन या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, जो कि खांसी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है. शुक्रिया.